बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिनका आज जन्मदिन है। तेजस्वी जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी चैनल के जितने व्यूवर्स हैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देंगे। जिस तरीके से आपका जो एक क्रिकेटर से एक मैच्योर पॉलिटिशियन का जो सफर रहा है, उसको आप अगर बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे तेजस्वी जी? नहीं, अभी तो ज़्यादा उम्र है नहीं हमारी, लेकिन फिर भी बचपन जो बीता वो क्रिकेट खेलते खेलते बीता। और आगे आप सब लोगों ने देखा ही है कि हम कब राजनीति में आए और पहली बार चुनाव जीते, डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने, फिर ऑपोजिशन लीडर बने, फिर डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और आप कह सकते हैं कि कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हमको मिला है और हमने हमेशा कोशिश की है कि लोगों के विश्वास और उम्मीद पर हम जो है खड़ा उतरने का काम करें। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब जितना भी प्रयास है हमारे हिसाब से अभी बहुत कुछ करना है बिहार के लोगों के लिए, और बिहार को आगे बढ़ाना है। इसके लिए 100% पूरा कंट्रीब्यूशन जो है हमारा लगेगा और लोगों की जन समस्याओं को दूर किया जाए, एक प्रगतिशील राज्य में बिहार आए, ये हमारी कामना भी है और हमारी कोशिश पुरजोर रहेगी। आपकी जो तुलना है कभी कभी लालू जी से की जाती है, आप उनके बेटे हैं, और ऐसे भी कहा जाते हैं कि आपने लालू जी से भी 10 कदम आगे बढ़कर काम किया है। जिस तरीके से आपने पार्टी को खड़ा किया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी बनी। नहीं नहीं, आप कोई तुलना उनसे किसी की नहीं जा सकती। जो उनका जीवन रहा है, जो उनका काम रहा है, जिस प्रकार के वो मास लीडर हैं, देश में नहीं बल्कि हार्वर्ड से लेकर NCR तक लोग उनको पूछने आए, विदेशों से भी लोग उनसे पढ़ने आए, तो उनसे तो किसी का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जो प्रयास और जो विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे पिता ने हम पे जताया है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, जो लालू जी को मानने वाले लोग हैं, जो विश्वास हम पे जताया है, तो हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जिस पार्टी ने हमको इतना माना है और पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने इतना प्यार और समर्थन दिया है, तो पार्टी को और मजबूत भविष्य में किया जाए, ये हम सब लोगों की कोशिश है। आप देश के सबसे कम उम्र के डिप्टी CM बने थे 2015 में, जब उस समय आपकी उम्र 26 साल थी, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं नहीं, देखिए आने वाला समय उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, कम उम्र के सबसे पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में हमको मौका मिला और साथ आप देख सकते हैं सबसे यंगेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन भी, अगर किसी राज्य की असेंबली में देखा जाए तो हम रहे हैं। और दोनों की भूमिका जो है, एक जनता के लिए आवाज़ उठाना होता है लीडर ऑपोजिशन का, समस्याओं को सरकार के सामने लाना होता है, और एक सरकार में रह करके उनका अनुदान कैसे हो, निष्पादन कैसे हो, ये दोनों का एक आप कह सकते हैं तजुर्बा जो है हमको मिला है, और बहुत सहयोग सब लोगों ने दिया है, ऐसी बात नहीं है बिना सहयोग के कोई कुछ कर नहीं पाता, और लोगों का जो विश्वास है, उम्मीद है, उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। आपने जो पहचान आपने तेजस्वी जी जो बिहार में बनाई है, नेशनल लेवल पर भी आने वाले दिनों में आपकी पहचान बनेगी और ये लोग ऐसा मानते हैं, नेशनल लेवल पर जब आपकी राजनीति होगी तो कौन कौन से मुद्दे आप लेकर जाएंगे? नहीं देखिए ना, नेशनल लेवल के मुद्दों को तो हम लोग गिना ही ना रहे हैं, लगातार गिना रहे हैं, चाहे किसान का इशू हो, चाहे गरीबी का इशू हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति देश की कैसे सुधरे, लोगों का दुगुना कैसे हो, महंगाई हो, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें जैसे बढ़ी हैं, देश की राष्ट्र की सुरक्षा हो, और देश में जो है नफरत की राजनीति ना हो बल्कि सब लोग मिलजुल करके, सभी समाज, हर जात वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग रहें,
हमारा देश में अमन चैनती शांति हो, यही हम लोगों की कामना है और इस बात को तो हम लोग उठाते ही रहे। तो देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्याएं हैं। बिहार में जो समस्या है वो अलग है, कश्मीर में जो समस्या है वो अलग है, साउथ में जो समस्या है वो अलग है। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है या कोई भी पॉलिसी अगर ऐसी पार्लियामेंट में लाई जाती है जिसका विरोध करना चाहिए, उसका हम लोगों ने खुल के विरोध किया है। चाहे GST का हो, धारा 370 हो, चाहे नोटबंदी का हो, और जिस प्रकार से चाहे दलितों के राइट्स को लेने का हो, चाहे EWC हो, EWS वाले मामले, जो भी नेशनल इश्यूज जो है, तो पार्टी तो पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक हम लोग जो, चाहे CEA कानून आया था उसका विरोध हम लोगों का करना था, NRC वाले बात को लेकर के, तो हर एक मुद्दे पर हम लोगों ने तो आवाज़ उठाई है। कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हुआ था, उस पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया। तो बेरोज़गारी जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े, और आते ही सर जो है आप देखिएगा इस दिशा में हमारी सरकार जो है पहल कर रही है, काम कर रही है। आपके इस जन्मदिन पर आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा हो जो आपके जन्मदिन पर पूरी हो जाए? एक नया बिहार बने, एक कामयाब बिहार बने, ये हमारी कामना है। ये पहला मौका होगा जब आप अपनी धर्म पत्नी राष्ट्रीय के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो क्या ये आपके लिए खास मौका है? देखिए, जन्मदिन तो सबके लिए खास होता है, और शादी के बाद ये पहला मेरा जन्मदिन है, और हालांकि पिता हूँ वो दिल्ली में है, तो हम परिवार के साथ ही ज़्यादातर लोग जो है, हाँ दिन में लोग जो है मिलते हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, लोग अपने हिसाब से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। तो जनता के बीच हो या परिवार के साथ हो, यही हम लोगों का चलता है। क्या आप गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ से? आपको वो क्या प्रेजेंट करेंगी आपके बर्थडे पर? नहीं, अब तो हम कैसे, हमने ये बात पूछा भी नहीं ना सोचा, वो तो आपने सोचा भी है और सवाल भी पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। और कोई भी गिफ्ट हो तो सरप्राइज गिफ्ट ही अच्छा होता है। आखिरी सवाल तेजस्वी जी, जब आप अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आपके मन में बिहार के लिए क्या चाहेंगे कि आज आपका जन्मदिन है, बिहार के लिए क्या हो जो भला हो इस राज्य का? नहीं, आप तो जान ही रहे, बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, किसान का इशू है, तो सारा हम बात बोली दिए। हम तो, आपने जब पूछा कि आपके जन्मदिन पे क्या होना चाहिए राज्य के लिए, तो हमने तो बता ही दिया कि ये काम होना चाहिए, तो उसमें कोई निसंदेह नहीं है। हाँ, अगर आप ज़रूर भाजपा वाले लोगों के लिए पूछते कि भाई भाजपा वाले हमको क्या गिफ्ट देंगे, तो हम तो बोलते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही दे दीजिए, वही हमारे लिए गिफ्ट होगा, अगर भाजपा वाले लोग अगर पूछे तो। एक आखिरी सवाल, आपकी जो शादी हुई है वो ऐसी हुई कि मतलब किसी को कानो कान पता भी नहीं चला, तो आज आपके ITV को बताएंगे कि भाई ये आपका जो लव मैरिज हुआ ये कैसे हुआ? आपके जन्मदिन पर ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपका लव मैरिज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो आपका अफेयर था, लव मैरिज, लव कैसे होता है, प्यार कैसे होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता, अलग होता है। लव मैरिज में पहले लव होता है फिर मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में पहले अरेंज होता है फिर लव होता है। तो आप कौन से वाले में से, पहले ही बताइए। लव वाले में। आप लव वाले में तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आप ही विस्तार से बता दीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने ETV के साथ खुलकर बातें की। कैमरामैन अशोक के साथ अमित बलारी, ETV भारत, पटना।